पुण्य ढकरेर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें श्रद्धालु जमकर थिरके। इस मौके पर पूरा कथा परिसर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कथा के दौरान पुरोहित संदीप शर्मा ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, साथ ही उन्होंने धर्म अर्थ काम व मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब जब अत्याचार और अन्याय बढ़ता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब कंस ने सभी मर्यादाएं तोड़ दी तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस दौरान परमचंद मस्तराम ने बताया कि रविवार को यज्ञ के साथ कथा को विराम दिया जाएगा। और भगवान ने मन में कहा, तुम तीन पैर ही पूरे कर देना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कृपया तीन पैर ही पूरे कर देना मेरे लिए यही सबसे बड़ा। बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो लेकिन तुम तीन पैर तो करके। बलि ने कहा, अब क्या बताऊं, मेरे तो बहुत कुछ है, अब तीन पग मांग रहे हैं और मेरे पास दान देने के लिए बहुत कुछ है, आपको देना ही है लेकिन आप तीन पैर ही लेना चाहते हैं तो मैं आपको तीन पैर ही दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।